गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन 7, डॉक्टर का अपहरण। डॉक्टर का अपहरण है, इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। पहले हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म 9 मार्च 1938 में हुआ था, यानी 9 मार्च 1938 को। मृत्यु है इनकी 14 नवंबर 2013 में इनकी मृत्यु हुई है, 14 नवंबर 2013 में इनका क्या हुआ है, इनकी मृत्यु हो गई। इंदिरापुरम गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश में इनका मतलब जन्म हुआ था। परिचय है हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाले हैं, नए रंग भरने वाली हैं। प्रमुख कृतियां हैं खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्तरियां, गिरना स्काई लैब का दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास हैं, उनकी प्रमुख कृतियां हैं। गद्य संबंधी देखेंगे, विज्ञान कथा या क्या है ये, डॉक्टर का अपहरण जो है एक विज्ञान कथा है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है, यह विज्ञान से संबंधित कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें क्या कर रहे हैं, जागरूक किया है। इसके माध्यम से उन्होंने इस जो विज्ञान कथा है डॉक्टर का अपहरण, इसके माध्यम से ये जो क्या है लेखक हैं वो क्या कर रहे हैं, वह जो बढ़ रही अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, प्रदूषण हैं, अंधाधुंध जो है विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, ये सब क्या है, ये प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। इससे हमें वो क्या किए हैं, जागरूक किए हैं। औद्योगिक उन्नति किसी भी देश के लिए आवश्यक है, ये तो सबको मालूम है कि सब देश चाहता है कि हम उन्नति करें, औद्योगिक उन्नति करें, पर इसका अंधाधुंध विकास क्या होता है, सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इससे मशीनों की बढ़ती संख्या और बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव से जनजीवन त्रस्त हो सकता है। जो इससे इसके प्रभाव से जो बढ़ती हुई मशीनें हैं, संख्या है, प्रदूषण है, जब कल कारखाने बनेंगे तो कचरा आएगा, कचरे से प्रदूषण बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, जनता का जो जीवन, मानवीय जीवन जो है क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा, त्रस्त हो जाएगा। तो प्रस्तुत कथा में लेखक ने एक काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से इस समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं यह डॉक्टर का अपहरण। अपहरण में क्या होता है, अपहरण करना, किसी का हरण कर लेना, चुरा लेना, तो यहाँ डॉक्टर का ही अपहरण हुआ है, चोरी हो गई है डॉक्टर की। जैसे देखिए, कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। लापता यानी गुम हो जाना, लापता मीन्स गुम हो जाना, जिसका पता न चले उसे कहते हैं लापता।
जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन इसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। किनके बारे में पता नहीं चला? डॉक्टर भटनागर जी के बारे में पता नहीं चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, मतलब वो सोई नहीं थी, जगी थी, फिर भी वो क्या उठी नहीं। वो कौन उठे? भटनागर जी। डॉक्टर भटनागर जी जैसे कॉल बेल बजी तो वो तुरंत उठ गए और तो क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा जो रोज भी होता है, ऐसा तो रोज ही होता है, उनको बुलाने के लिए तो कभी भी कोई आ जाता है, तो इसलिए वह मतलब उठ करके वहां से गई नहीं। जब भी कोई मरीज सीरियस मीन्स क्या होता है, सीरियस मीन्स होता है चिंताजनक, सीरियस मीन्स चिंताजनक होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें क्या कर उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा जाता देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसीलिए वह इसका बुरा न मानते। वह अपना कर्तव्य समझते थे मरीजों की सेवा करना, कि उनसे उनके करने से यदि मरीज ठीक हो जाए, देखभाल करने से, दवा देने से, तो उसको वह परम कर्तव्य समझते थे, तो इसका बुरा न मानते। इसलिए वह कोई कभी भी जाता था, बुलाता था अचानक, तो इस बात का बुरा नहीं मानते थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, इतनी रात को क्यों आए, क्यों बुलाए, ऐसा नहीं करते थे। वह उन लोगों के साथ क्या चले जाते थे मरीज को देखने के लिए, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। चिंता मतलब कोई भी मतलब वो नहीं था, चिंता नहीं करते थे कि मतलब मुझे फीस मिली या न मिली, कोई दिया या नहीं दिया। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। पहने ही मतलब गाउन पहने, गाउन में जानते हो ना क्या होता है, गाउन होता है, डॉक्टरों का गाउन होता है, वकील का गाउन होता है, सबका अलग अलग मतलब गाउन होता है, उसको हिंदी में कहते हैं लबादा। क्या कहते हैं? लबादा हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में गाउन कहते हैं, तो वो भी एक ड्रेस ही होती है। आम तौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते 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 वो तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई, मतलब परेशान हो गई, दुखी हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसीलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज वो सोच रही थी कि मतलब कि हो सकता है कि किसी मरीज की हालत और गंभीर हो और ज़्यादा बिगड़ी हुई हो, तो उसको मतलब देखभाल करने में उनका टाइम ज़्यादा गया हो, या नहीं तो हो सकता है बाहर बाहर क्या करें, वो अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया, और संबंधियों सगी संबंधी जो होते हैं रिलेशन में या आस पास पड़ोस में जो भी रहते हैं, तो उनको क्या की वह फोन करने लगी किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गाँव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण
बन गया, हैरान हो गए वो लोग भी, क्या परेशानी के परेशानी का कारण बन गया कि मतलब क्या हो गया कि मतलब वो मिल ही नहीं रहे हैं, भटनागर जी हैं नहीं, गायब कैसे हो गए। चारों ओर खोज शुरू हो गई, वायरलेस से संदेश भेज दिए गए, वायरलेस इंग्लिश वर्ड है, वायरलेस जो होता है उससे संदेश भेजा गया। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया, बिजली की तरह मतलब चारों तरफ वो जो उसका समाचार था गायब, डॉक्टर भटनागर जी के गायब होने का जो समाचार था, सूचना था, वह पूरे शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतनी ही सूत्र दे सकी, सूत्र मतलब होता है राज, मतलब बता सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहिए पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे, सड़क और फुटपाथ पर। जाहिर था कि डॉक्टर साहब की किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली, फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। वो कौन कह रहा है, मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी वह जानकारी नहीं मिली तो पुलिस वाले ने क्या कहा, वायरलेस से यह सूचना मतलब हर जगह फैला दी कि किसी एक्सीडेंट के बारे में किसी को सूचना मिले तो हमें तुरंत बताएं। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था। शंका मतलब डाउट, शंका करना क्या होता है, व्यर्थ था, वो बेकार में था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी, एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें, दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया। डाकू दल, दो ऑप्शन थे, कितने दो सूत्रों पर विचार कर रहे थे पुलिस, कौन कौन, एक तो गुंडों ने उन्हें छिपा लिया होगा और दूसरा क्या था, क्योंकि मतलब वो मोटी रकम वो अपने उनके पत्नी से मांगने के लिए वह उनको छुपा दिया हो, गुंडे लोगों ने छिपा लिया हो, और दूसरा सूत्र था कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। देखिए किसके डर से, वो फिर दोबारा उनका समाचार, गायब होने का समाचार नहीं छपा अखबार में, ताकि वह भय के कारण इसीलिए वह फिर से दोबारा नहीं छपा, उसको दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। निराश होना मतलब एकदम आशा छोड़ देना, अब उनको मतलब ये हो गया था कि अब लग रहा है कि वो नहीं आएंगे, वो पागल जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। प्रतीक्षा में वेट होता है, मतलब इंतजार करती थी, प्रतीक्षा करती थी, वेट करती थी। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे, निशान में सोई होता है, चिन्ह होता है, ठीक, देखा। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं, लेकिन
कहाँ है, ये कौन सा शब्द है बताइए। निषेधात्मक कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना की, खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अनुमान लगाना कठिन था। हाँ, भटनागर का नाम लिखा था उस, हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। उसमें उस सीडी में कौन बोल रहा था? डॉक्टर भटनागर जी बोल रहे थे। ठीक, तो हतप्रभ मिस होता है भौचक का। ठीक, और वायरलेस मिस होता है बेतार, रेडियो टीवी वाला एक मोबाइल होता है बेतार का। तो क्या किए, सीडी को तुरंत, उन्होंने सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो। यानी शायद मुझे लग रहा है आप लोग ये समझ लिया कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील हैं, विकास करने वाले हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। इस तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। अपहरण यानी चोरी करने के लिए बना रहे थे। योजना मिस होता है प्लानिंग कर रहे थे। इकट्ठा मिस एकत्रित कर रहे थे, गुप्त मतलब छुपे रीति से, वो क्या तरीके से वह सूचना इकट्ठा कर रहे थे कि कैसे, मतलब किस विधि से इनका अपहरण किया जाए। योजना बना रहे थे यानी प्लानिंग बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, तीन लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर शू शू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं, मतलब अनुकूल मीन्स
उसके परिवेश में जैसे जैसा वातावरण है वातावरण के लिए लाभदायक हो, अनुकूल में सुधा है, प्रतिकूल विपरीत, अनुकूल में उसके समान, वातावरण के समान ही पहनाया गया, जैसा वातावरण था वैसा ही, अनुकूल में समान ही होता है उसके समान। तब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई, मतलब आज्ञा दी गई। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है, यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं, इनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं, वो यान है जैसे अंतरिक्ष यान होता है वैसे ही जो है एक यान है जो सौर मंडल से दूसरे मंडल तक, दूसरे जगह पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं, ऐसा यहाँ एक यान है। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ हैं, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न हैं, भिन्न मीन्स हमसे एकदम अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का मतलब इनका जो सौर मंडल है हमारे मंडल से क्या है, ये जिस ग्रह पे रहते हैं वह हमारे सौर मंडल से बहुत पास में है, निकट में है, इसलिए उन्होंने आसानी से अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, मतलब पीछे हैं, इन लोगों को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान नहीं है। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है, चरम सीमा मतलब एकदम सबसे ऊंचा हाई लेवल पे है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं, क्या हो गए हैं, आदमी नहीं वो मशीन हो गए। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा, इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व तो कम होता गया। जब सब कुछ सब काम मशीनें ही करेंगी तो आदमी की तो महत्व घटेगी, आदमी कमी होगी, तो आदमी का महत्व क्या हो गया, कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। अब बताइए, यहाँ है मशीन आदमी के गुलाम है, लेकिन वहाँ क्या है, हम गुलाम जो है आदमी लोग हैं, मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। इन लोगों को जो वहाँ के लोग हैं लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न होने लगा है, जैसे कैंसर की तरह शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं। देखो जो मशीनें वहाँ ज़्यादा मशीनें हैं इसलिए वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा, वही है सड़न की बीमारी, सड़न हो रही है, वो भी वजह क्या है, सड़न होने का वजह क्या है, बीमारी होने का वजह मशीन है। इन्हें नकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, उन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची गई कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए, बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ। वो लोग सोचे कि वहाँ तो हमारे यहाँ तो वो लोग वहाँ के लोग चिकित्सा शास्त्र में मतलब विज्ञान के क्षेत्र में तो आगे थे, लेकिन रसायन क्षेत्र में दवा में डॉक्टर के उसमें जो है वो लोग बहुत कम थे, वहाँ नहीं थे, उसकी जानकारी उन लोगों को नहीं थी, इसलिए वह बीमारी को रोकने के लिए उनका अपहरण किया गया कि ताकि वो डॉक्टर आएंगे और इसका टांग काट करके दूसरा उसमें टांग फिट करेंगे और ये सड़न खत्म हो जाएगा और इंसान जिंदा रहेगा।
इसी कारण मेरा अपहरण हुआ, इसीलिए उन लोगों उनको चुराया गया, उनको उनकी चोरी हुई। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास में मशीनों की संख्या बढ़ रही है, मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। सही बात है, आए मशीनें बढ़ेंगे, कंपनी फैक्ट्री बढ़ेंगे तो क्या होगा, गंदगी फैलेगी, गंदगी से कचरा, धुआं से, चिमनियों से धुआं और अनेक प्रकार का जो है बीमारी पैदा होगा, कैंसर होगी, दिल की बीमारी, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, इसलिए इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ के इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, इंसान ही नहीं रहेंगे, जो भी नाम बचा है वो भी मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। दैत्याकार मतलब बड़ी बड़ी मशीनें, दैत्याकार रहेंगी इमारतें और क्या कल कारखाने ही रह जाएंगे। जब आदमी रहेंगे ही नहीं, बीमारी फैलेगी, सब मर जाएंगे, तो बस वही बचेगा। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासी का शरीर बहुत मजबूत होता है। यहाँ के लोगों का शरीर जो है बहुत क्या होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी जो है मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी, मिट्टी का कोई असर नहीं होता। यहाँ जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सख्त हो जाता है, मतलब कठोर हो जाता है, तो मजबूत हो जाता है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। सबकी अलग अलग जलवायु होती है, तो जलवायु हर जगह की जलवायें अलग अलग है, तो वहाँ की जलवायु का सब प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते, इसीलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। सही बात है, जब आवश्यकता पड़ती है तभी किसी चीज का हम जिक्र करते हैं और उसको करते हैं, नहीं आवश्यकता पड़ती है तो उसको वैसे ही वैसे छोड़े रहते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं रहती। तो वैसे ही यहाँ भी है कि जब जरूरत ही नहीं पड़ी चिकित्सक की, तो जब बीमारी नहीं हुआ तो चिकित्सक की जरूरत क्यों करेंगे, लाएंगे। जब ऐसा हुआ तो बाद में इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इसके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, यानी प्रयास कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक समाज साज सम्मान बनवाना है। एक काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है, मतलब अकेले जन से वो होने वाला नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, यानी उनके राय से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनके विरोध मोल लेना ठीक न होगा। विरोध मतलब इनका विरोध करना, खतरा लेना, क्या वो ठीक नहीं होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं
कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। अब मेरे आने बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए। देखिए रहस्य उद्घाटन, इसमें जो कभी अब आपका ये लेसन जो है कंप्लीट हो गया है और इसका जो पद्यांश, इसमें मैं कुछ सूचनाएं हैं के अनुसार कृतियां कीजिए। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। सौर मंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारणों की सूची तैयार करें। आपको तीन है सूची तैयार करना है, आप लोग करके सेंड करिएगा। आपका ये लेसन खत्म हुआ और बच्चों अच्छे से आप लोग तैयारी करो, ओके। एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से, टेक्स्ट बुक अच्छे से एकदम बारीकी से आप लोग रीड कर जाओ, पढ़ जाओ, तभी आप एग्जाम दे पाओगे। हाँ ओके, थैंक्स।